हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन पेज नंबर 2 ऑफ चैप्टर 7, ब्लैक ब्यूटी सेव्स हिज मास्टर। सो लेट्स सी इन योर कोर्स बुक पेज नंबर 2। आफ्टर देयर वर्क्स इन टाउन एट नाइट एज दे स्टार्टेड होमवर्ड्स, मीन्स रात में कस्बे में काम खत्म करने के बाद जैसे ही वो घर की तरफ चलना शुरू किया उन्होंने, द वेदर बिकेम्स वेरी बैड। जो मौसम था बहुत ही बुरा हो गया था। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, तेज हवा चलने लगी थी, अलोंग विद लाइटनिंग एंड थंडर, यानी तेज हवाओं के साथ में बिजली भी कड़कने लगी थी। दे हैड नॉट गॉन फार व्हेन अ ह्यूज ट्री फेल अक्रॉस देयर पाथ, मीन्स जब रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिर गया था तो वो उसको क्रॉस करके बहुत दूर नहीं जा सके थे। दे कुड नॉट गो एनी फर्दर, वो बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते थे। नाउ दे वुड हैव टू यूज द ब्रिज, अब उनको पुल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ब्लैक ब्यूटी वॉज फ्राइटन्ड बाई द स्टॉर्म, जो ब्लैक ब्यूटी थी, जो घोड़ा थी, वो तूफान से बहुत डरता था। हाउ एवर ही न्यू दैट ही हैड टू गेट हिज मास्टर होम, वह जानती थी कि मास्टर को उसके घर तक पहुंचाना है। सो ही ब्रेवली ट्रोटेड अहेड, ट्रोटेड मीन्स होता है मूव्ड स्टीडली, यानी धीमे से आगे बढ़ना, इसलिए वो बहादुरता से आगे बढ़ा। व्हेन दे रीच्ड द ब्रिज, जब वो ब्रिज पर पहुंचा, ही कुड सी द वाटर रेसिंग ओवर मोस्ट ऑफ द ब्रिज, तब उसने देखा कि ब्रिज के ऊपर ज़्यादातर पानी रेसिंग कर रहा है, भाग रहा है, या ज़्यादा पानी भरा हुआ है। एज ही पुट हिज फुट ऑन द फर्स्ट प्लैंक, जैसे ही उसने अपना पहला पैर फर्स्ट तख्ते पर रखा, यानी फर्स्ट प्लैंक का मतलब होता पहला तख्ता, जैसे ही उसने पुल का पहले तख्ते पर पैर रखा, ही न्यू, वह जानता था, समथिंग वॉज वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत है। ही केम टू अ डेड स्टॉप, वह एक मृत प्रणाम पर आ गया है। गो ऑन ब्यूटी सेड मिस्टर गोर्डन, मिस्टर गोर्डन ने ब्यूटी से कहा, टचिंग हिम जेंटली विद द बिप, मिस्टर गोर्डन ने बिप मीस होता जो घोड़े की रस्सी होती है, उसको बिप सामान्यतः उसको हिलाकर कहा कि आगे चलो ब्लैक ब्यूटी। फॉर वंस ब्यूटी डिसओबेड हिम, जो ब्लैक ब्यूटी थी उसने मिस्टर गोर्डन की बात का अवहेलना की, यानी उनका आज्ञा नहीं मानी। ही डिड नॉट स्टे, वह बिल्कुल भी नहीं चली। कम ऑन ब्यूटी, ही रिपीटेड ट्वाइस, उसने दो बार दोहराई इस बात को कि ब्यूटी आगे चलो। ब्यूटी डिड नॉट मूव, ब्यूटी बिल्कुल भी नहीं हिली। जस्ट देन, तभी द मैन एट द टॉल गेट केम रनिंग शाउटिंग लाउडली, यानी तभी एक आदमी टॉल गेट यानी ए गेट वेयर अ फीस इज पेड टू ड्राइव ऑन अ रोड और गो ओवर अ ब्रिज, एक ऐसा गेट जहाँ पर हम फी पे करके आगे गाड़ी को ड्राइव करते हैं, यानी जैसे पुल या कोई भी चीज़ होती है जहाँ पर हम पे करते हैं उसको बोलते हैं टॉल गेट। तो टॉल गेट से एक आदमी भागता हुआ चिल्लाता, जोर से चिल्लाता हुआ आया, स्टॉप स्टॉप यू विल ड्रॉन, रुको रुको तुम डूब जाओगे, द ब्रिज इज ब्रोकन, जो पुल है वो टूटा हुआ है। मिस्टर गोर्डन रियलाइज्ड द ग्रेट डेंजर दे हैड बीन इन, मिस्टर गोर्डन को महसूस हुआ कि एक वो बड़े खतरे में है। ब्यूटी हैड सेव्ड देम फ्रॉम श्योर डेथ, जो उनका घोड़ा था ब्लैक ब्यूटी, उसने उनके जीवन को निश्चित ही बचाया है, मृत्यु से उनके जीवन को बचाया है। विद टीयर्स इन हिज आईज ही सेड थैंक यू गॉड फॉर यू ब्यूटी, मीन्स मिस्टर गोर्डन अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे इतना अच्छा या इतना वफादार घोड़ा दिया जिसने मेरी जान बचाई, इसलिए वो भगवान को धन्यवाद देते हैं। डियर स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, नाउ रीड पेज नंबर 2 एट योर होम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।